नमस्कार, आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इस्पात का धातुकम, मेटलर्जी ऑफ स्टील। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टील में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो 0.5 से 1.5% होती है। ये लोहे का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। इसको पिग आयरन से हम डिफरेंट मेथड से प्राप्त करते हैं, जो निम्न है। जो इसकी पहली विधि है वह है बैसेमर विधि। बैसेमर विधि को हम बैसेमर परिवर्तक में करते हैं। इट इज कैरिड आउट इन अ बैसेमर कन्वर्टर, जिसकी आंतरिक सतह की जो कवरिंग है वो अलग अलग टाइप की होती है। वो डिपेंड करती है कि पिग आयरन में फॉस्फोरस है या नहीं। अतः आंतरिक सतह में भिन्नता के आधार पर इस विधि को दो प्रकार में बांटा गया है, अम्लीय बैसेमर विधि और क्षारीय बैसेमर विधि। जो अम्लीय बैसेमर विधि है ये उस समय प्रयुक्त की जाती है यदि पिग आयरन में फॉस्फोरस नहीं होता है। यदि पिग आयरन में फॉस्फोरस नहीं हो तो इस बैसेमर परिवर्तक के अंदर हम सिलिका का एसिडिक लाइनिंग लगाते हैं, सिलिका का अम्लीय स्तर लगाते हैं। जब इसमें गर्म हवा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उपस्थित अशुद्धियों का निम्न प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। जैसे अगर इसमें मैग्नीज उपस्थित है तो ये ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है, सिलिका ऑक्सीडाइज होकर सिलिकन ऑक्साइड बनाती है, तथा मैग्नीज ऑक्साइड जो बना है वो इस सिलिका के साथ धातुमल स्लैग का निर्माण करता है, जिसका फॉर्मूला है MnSiO3, मैग्नीज सिलिकेट। इस प्रकार हमें ये अशुद्धियां धातुमल अर्थात स्लैग के रूप में प्राप्त होती है। इस विधि में यहाँ पर जब कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, जो इस कन्वर्टर या परिवर्तक के मुंह पर ब्लू फ्लेम के रूप में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जैसे ही इस फ्लेम की या इस ज्वाला की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो यह इंगित होता है कि इसमें अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। इस प्रकार इस अम्लीय बैसेमर विधि से प्राप्त इस्पात जो है वो ब्रिटल, पोरस और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा युक्त होता है। इसमें अब हम लोहे का एक मिश्र धातु डालते हैं जिसमें मैग्नीज और कार्बन होता है, इसे हम स्पिगल कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीज का काम है कि जो इसमें अधिक ऑक्सीजन उपस्थित है उसे ये मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में हटा देता है। इस प्रकार ये अम्लीय बैसेमर विधि के बारे में है। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अम्लीय बैसेमर विधि तब प्रयुक्त करते हैं यदि पिग आयरन में फॉस्फोरस नहीं हो, परंतु यदि पिग आयरन में फॉस्फोरस की मात्रा 1.5 से अधिक हो तो हम इस कन्वर्टर के अंदर बेसिक लाइनिंग डोलोमाइट लगाते हैं, अर्थात बैसेमर परिवर्तक के अंदर क्षारीय डोलोमाइट का स्तर लगाया जाता है। अब इस मेल्टेड पिग आयरन में हम चूना मिलाते हैं, आयरन में चूना मिलाते हैं जो फास्फोरस के ऑक्सीडेशन से बने P2O5 के साथ क्रिया करके स्लैग का निर्माण करता है। यदि इसमें फास्फोरस है तो वो ऑक्सीडाइज होकर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। चूंकि हमने इसमें चूना डाला है तो चूने से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड इस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कैल्शियम फॉस्फेट स्लैग का निर्माण करता है। इस स्लैग को अलग करके इसमें से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रकार ये हमने पढ़ा बैसेमर विधि के बारे में। सेकंड जो प्रोसेस है इस्पात प्राप्त करने का उसे हम कहते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस, दैट इज खुले तल की विधि। ये स्टील प्राप्त करने की बहुत ही इम्पोर्टेंट और मॉडर्न मेथड है जिसमें हम ओपन हर्थ फर्नेस को यूज करते हैं, खुले तल की भट्टी को यूज करते हैं। ये जो भट्टी है वो बाहर से तो इस्पात की होती है और ये यहाँ पर फायर ब्रिक्स शो की गई है फिगर में, और यहाँ पर वही चीज कि आंतरिक सतह अगर भास्मिक विधि होगी एल्केलाइन मेथड तो चूने और मैग्नीशिया की होगी, और अगर अम्लीय विधि होगी तो ये सिलिका की बनी होती है। ये जो प्रोसेस है ये उष्मा के पुनरुप उत्पादन के मेथड पर आधारित है, अर्थात रीजनरेशन ऑफ हीट इकोनॉमी। जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जैसे यहां पर ही बताया हुआ है ये लाइनिंग है, यहां पर हम जो है वो मिश्रण ले लेते हैं आयरन का,
आयरन की छीलन का और चूने का ये मिश्रण हमारे पास है। और यहाँ पर एक चार चैम्बर बने हुए हैं G1, G2, G3 और G4। तो इसमें हम इस चार्ज को गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस और ऑक्सीजन को काम में लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस भट्टी में जो बेकार गैसें हैं, वेस्ट गैसेस, उससे इस इन दोनों चैम्बर को गर्म करते हैं। तो जब ये दोनों चैम्बर गर्म हो जाते हैं तब हम यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस और ऑक्सीजन को पास करते हैं ताकि प्रोड्यूसर गैस और ऑक्सीजन का यूज कम हो सके, क्योंकि ये चैम्बर पहले से ही गर्म हो चुके हैं। इन दोनों चैम्बर के गर्म हो जाने के पश्चात इन वेस्ट गैसेस को, बेकार गैसों को, इन दोनों चैम्बर में डाला जाता है। जब ये दोनों चैम्बर वापस उन दोनों बेकार गैसों से गर्म हो जाते हैं तब इसमें प्रोड्यूसर गैस और ऑक्सीजन को डाला जाता है। इस प्रकार इन वेस्ट गैसों के गर्म होने कक्षों को गर्म करने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। जब ये दोनों G3 और G4 चैम्बर्स गर्म हो जाते हैं तो वापस इन गैसेस को इस दोनों कक्षों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस से यह इसका एडवांटेज है कि यहाँ पर फ्यूल और हीट दोनों की बचत होती है, इसीलिए ये एक इकोनॉमिकली प्रोसेस है। इस प्रकार इस खुले तल की भट्टी में हम पिग आयरन में स्क्रैप ऑफ स्टील, लाइमस्टोन और हेमेटाइट डालकर इसे भट्टी के तल पर पहले से गर्म की गई प्रोड्यूसर गैस और एयर के द्वारा गर्म करते हैं। मतलब इस ओपन हर्थ प्रोसेस वाली जो भट्टी है उसमें हमने इस्पात की छीलन, चूना पत्थर और हेमेटाइट डालकर उसे भट्टी के हर्थ पर, तल पर रख दिया, जो पहले से ही मैं बता ही चुकी हूं कि उसे हम उत्पादक गैस और वायु के द्वारा गर्म करते हैं। इससे इसका जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस प्रकार इस हीटिंग से जो इसमें रिएक्शंस होती है वो निम्न है। सबसे पहले इसमें जो कार्बन है वो इस हेमेटाइट के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है और आयरन प्राप्त हो जाता है। सल्फर की इम्प्योरिटी भी इस हेमेटाइट द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर आयरन में कन्वर्ट हो जाती है। मैग्नीज जो है वो इस Fe2O3 के साथ मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है और आयरन प्राप्त होता है। सिलिकन की अशुद्धि इसके साथ में सिलिका बनाती है, आयरन प्राप्त होता है। फॉस्फोरस इसके साथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है और आयरन प्राप्त होता है। चूंकि कार्बन और सल्फर की जो इम्प्योरिटी है वो वॉलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में निकल गई है, लेकिन मैग्नीज ऑक्साइड और सिलिका और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड अभी भी मिक्सचर में है। तो इन्हें हटाने के लिए हम यहाँ पर जो पहले से हमने जो चूना डाला है वो यहाँ पर गालक का अर्थात फ्लक्स का काम करता है। जैसे P2O5 जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम फॉस्फेट प्राप्त होगा, जिसे हम धातु मल के रूप में, स्लैग के रूप में हटा लेते हैं। सिलिका इस चूना के साथ बनाता है कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो सिलिका के साथ मैग्नीज सिलिकेट, ये तीनों धातु मल के रूप में हटा लिए जाते हैं। इस प्रकार ये सब रिएक्शन होने के बाद अब हम फर्नेस की जो तल है, हर्थ है, वहां से हम टाइम टू टाइम स्टील का जो सैंपल है उसमें लेके कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। जब कार्बन की मात्रा सही, करेक्ट पता चल जाती है, डिटरमाइन हो जाती है, तब हम इसमें आयरन का जो एलॉय है वो स्पीगल मिलाते हैं, जिससे हमें सही किस्म का इस्पात प्राप्त हो जाता है। इस खुले तल की भट्टी, ओपन हर्थ प्रोसेस की जो स्पेसिफिसिटी है, एडवांटेज है, वो निम्न है। एक तो इसमें जो प्राप्त स्टील है वो बहुत ही अच्छी किस्म का होता है, इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। सेकेंड, यहाँ पर पिग आयरन, स्क्रैप ऑफ आयरन और हेमेटाइट, दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्टील। पिग आयरन लोहे की छीलन और हेमेटाइट को सीधे इस्पात में बदला जाता है और इसमें हीट और फ्यूल की सेविंग होती है, उष्मा और ईंधन की बचत होती है, क्योंकि उष्मा के पुनरुत उत्पादक सिद्धांत पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द रीजनरेशन ऑफ हीट एंड फ्यूल। ये विधि अधिक उपयोगी और इकोनॉमिकल है, उपयोगी और सस्ती है। ये पूरा हमारा ओपन हर्थ अर्थात खुले तल की भट्टी के बारे में हुआ। अब जो इस्पात बनाने का जो तीसरा प्रक्रम है उसे हम कहते हैं LD प्रक्रम।
एलडी प्रोसेस। ये भी स्टील निर्माण की एक मॉडर्न प्रोसेस है जिसको बहुत ही कम समय अर्थात 45 मिनट्स में हम स्टील को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर हम बेसेमर परिवर्तक के समान ही एक एलडी कन्वर्टर काम में लेते हैं, एलडी परिवर्तक जिसका शेप जो है वो नाशपाती के समान होता है। ये जो कन्वर्टर है परिवर्तक, ये स्टील की बनी हुई होती है और जो इसकी इनर सरफेस है वो डोलोमाइट का बना हुआ होता है। इस कन्वर्टर के अंदर, इस परिवर्तक के अंदर वही हम पिग आयरन, स्क्रैप ऑफ आयरन और चूना डालते हैं। पिग आयरन, आयरन की छीलन और चूना डाला है। अब हम इसमें शुद्ध ऑक्सीजन गैस को एक वर्टिकल ट्यूब के द्वारा भेजते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन गैस को खड़ी पतली नलिका द्वारा भेजा जाता है जिसे इस फिगर के द्वारा शो किया गया है। ये एलडी कन्वर्टर है। इस एलडी कन्वर्टर में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक वर्टिकल जो सीधी नली है उसके द्वारा प्रेशर के साथ हम शुद्ध ऑक्सीजन को पास करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन गैस आती है और इसमें ये अंदर डोलोमाइट की लाइनिंग शो हो रही है। यहां पर फ्लक्स है और यहां पर ये मोल्टन पिग आयरन, स्क्रैप ऑफ आयरन और लाइमस्टोन ये शो किया गया है डायग्रामेटिकली। जब ये रिएक्शन हो जाती है तो यहां पर जो आयरन है वो यहां पर सिंक होता है, यहां पर नीचे डूब जाता है। ये जो छेद है ये स्लैग होल है जिससे हम धातु मल को बाहर निकालते हैं और जो यहां पर अनरिएक्टेड आयरन है वो वापस इस सेंटर में आ जाता है। इस प्रकार यहां पर जब ऑक्सीजन हम इस नली से पास करते हैं तो उस ऑक्सीडेशन से इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऑक्सीकरण से जो ताप है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसमें होने वाली केमिकल रिएक्शंस निम्न है। कार्बन का ऑक्सीडेशन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो वॉलेटाइल होगी तो एस्केप आउट हो जाती है। सल्फर का ऑक्सीडेशन होने से जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है इट इज ऑल्सो वॉलेटाइल सो इट एस्केप आउट। सिलिका ऑक्सीजन के साथ सिलिका बनाता, SiO2 सिलिकन ऑक्साइड बनाता है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन होने से P2O5 मिलता है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन होने से मैग्नीज ऑक्साइड मिलता है। चूंकि ये दोनों वॉलेटाइल जो एस्केप आउट हो गए, इन तीनों को वही जो मैंने पहले मेथड में भी बताया है इनको स्लैग के फॉर्म में निकाला जाता है। मैग्नीज सिलिका के साथ में मैग्नीज सिलिकेट स्लैग बनाता है। सिलिका को चूने के साथ ट्रीट करके कैल्शियम सिलिकेट स्लैग के रूप में चेंज किया जाता है और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड चूने के साथ कैल्शियम फॉस्फेट स्लैग बनाता है और इस स्लैग को इस स्लैग होल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार स्लैग के रूप में इंप्योरिटीज हट जाती है। यहां पर जो ये प्योर मेटल है इसकी डेंसिटी इज वेरी हाई सो इट सिंक्स इन द बॉटम, जो डायग्रामेटिकली शो किया गया है। आयरन सिंक्स डाउन। शुद्ध गलित अवस्था में यहां पर इसमें स्पिगल डालते हैं, वही जो क्या एलॉय ऑफ आयरन है विथ मैग्नीज एंड कार्बन, जिससे हमें जो वांछित संगठन का इस्पात प्राप्त हो जाता है। इन द प्योर मेल्टेड स्टेट स्पिगल एलॉय इज एडेड इन दिस सो वी गेट द स्टील ऑफ डिजायर्ड कॉम्पोजिशन। इट इज ऑल अबाउट द एलडी प्रोसेस फॉर स्टील मेकिंग। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है आयरन और स्टील पर अशुद्धियों का प्रभाव, फैक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन आयरन एंड स्टील। सबसे पहले हम लोहे पर अशुद्धियों का प्रभाव देखते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑन द आयरन। जो मेल्टिंग पॉइंट है लोहे का वो होता है 1530 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का गलनांक 1530 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु कास्ट आयरन में इम्प्योरिटीज अगर हो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, दैट इज इट डिक्रीजेस। तो विभिन्न अशुद्धियां इम्प्योरिटीज इसे निम्न प्रकार से प्रभावित करती है। फर्स्ट, यदि लोहे में गंधक एज अ इम्प्योरिटी सल्फर उपस्थित हो तो ये कास्ट आयरन को हाईली ब्रिटल कर देता है। गंधक की उपस्थिति ढलवे लोहे को अत्यधिक भंगुर बना देती है। दूसरा, सिलिकन, अगर सिलिकन की इम्प्योरिटी लोहे में हो तो इससे लोहा जो है वो अत्यधिक भंगुर हो जाता है, क्योंकि सिलिकन के कारण जो कार्बन है वो लोहे के साथ सीमेंटाइट बनाता है।
लोहे में जो सिलिकन की जो ऑप्टिमम मात्रा है वो 1 to 2.5% होती है। नेक्स्ट वन इज मैंगनीज Mn, ये लोहे को हार्ड और वाइट बनाता है, डलवे लोहे को कठोर तथा सफेद बनाता है। फोर्थ वन इज फॉस्फोरस, डलवे लोहे में फॉस्फोरस के कारण भंगुरता अर्थात ब्रिटलनेस आ जाती है। इसकी जो ऑप्टिमम मात्रा है, उपयुक्त मात्रा, वो 0.02 से 0.07% होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बन, ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2 to 4% होती है। इससे लोहा हार्ड होता है तथा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लोहा कठोर हो जाता है तथा इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होती है। सेकंड टॉपिक है स्टील में कार्बन के प्रभाव, कि स्टील में अगर कार्बन उपस्थित हो तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर बढ़ती है तो स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है, कठोरता बढ़ जाती है। दूसरा, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज, इसकी तनन सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इसका गलनांक कम हो जाता है। इसकी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसकी घर्षण प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर भी स्टील 3 प्रकार का होता है, सॉफ्ट स्टील, मीडियम स्टील और मैक्सिमम स्टील। सॉफ्ट स्टील में 0.05 से 0.3% कार्बन होता है, मीडियम स्टील या मध्यम इस्पात में 0.3 से 0.6% होता है जो कठोर होता है, और जो मैक्सिमम स्टील होता है अधिक कार्बन वाला इस्पात, उसमें 0.6 से 1.5% कार्बन होता है। ये सारा जो है वो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन आयरन एंड स्टील। थैंक यू।